हाय दिन अस्सलामु अलैकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। जिस मेहमान शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने गाने गाए। बहुत सारी मशहूर बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए जिनके लिए उन्होंने गाने गाए हैं, कुछ के नाम आपको बताए देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, रश, कॉकटेल, भाग मिल्खा भाग और भी बहुत सारी मूवीज़। इसके अलावा मशहूर ज़माना कोक स्टूडियो के तकरीबन हर सीज़न में अपीयर हुए हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनकी अपेयरेंस ही कामयाबी की ज़मानत है। तो जिनके घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, उनका नाम है उस्ताद जावेद बशीर। हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके घर के अंदर चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ोया आप? ठीक हैं? वेलकम टू होम। और आप सिटी 42 की टीम को मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और आए प्लीज जावेद, आपके दिन का आगाज कैसे होता है? अमूमन तौर पे तो रात रिकॉर्डिंग से आता हूँ तो लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं सोता बहुत लेट हूँ, तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और उसकी रहमतों का कि मेरा जो दिन का आगाज़ होता है वो दुरूद पाक से होता है। और ऊपर मेरे घर पे चिड़ियाँ का कुछ मैंने बनाया हुआ दाना दुन का, अच्छा, वो डालता हूँ और फिर सोता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी ड्यूटी लगाई। सुबह के वक्त में भी रियाजत करते हैं? नहीं, सुबह के वक्त में अब तो रियाजत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि रात को बहुत जोर लगाते हैं रिकॉर्डिंग्स शोज, तो अभी रात मतलब रियाज का मौका ही नहीं मिलता। और आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल थोड़ा कोरोना वायरस से थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस की वजह से फिर भी रिकॉर्डिंग्स तो चल रही हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरनेशनली है, अभी मेरा अमेरिका में प्रोजेक्ट चल रहा है, एक चल रहा है स्कॉटलैंड में, एक चल रहा है इंडिया में, तो वो मेरी फिर इस क्योंकि मैंने जाके काम करना है, तो अभी मेरी अमेरिका में एक एल्बम रिलीज़ हो रही है, बहुत अच्छी एल्बम है, वो तकरीबन हॉलीवुड का ही मतलब के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो बंदा रिलीज़ करेगा तो मज़ा आएगा। तो इस तरह की मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कोरोना वायरस से आई थिंक वो चीज़ें थोड़ी डिले में हैं। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर पे रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल मेरी, अमेरिका से, दुबई से, इंडिया से और काफ़ी मुल्कों से मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। यानी कि आप घर बैठ के भी इतनी ज़्यादा मसरूफियत में मतलब फंसे हुए हैं और काम उसी तसलसल से चल रहा है। जी जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान है। जावेद, अपने किसी रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताइए हमें। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं कहता हूँ मैं बहुत उसमें लकी हूँ, बहुत खुशबख्ती है मेरी, क्योंकि जिनका मैं प्रोजेक्ट गा रहा हूँ, ये जो खाना काबा की जिनके पास चाबी है, उनके ये तर्जुमान भी हैं और फर्स्ट सेक्रेटरी भी हैं। तो मेरा जो इनका रिश्ता है वो दिल का है, रूहानी है, मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल रहमान। जावेद बशीर के दोस्त मियां अब्दुल रहमान इनसे मुलाकात करने के लिए आए। जावेद, आप एक कवाल घराने में पैदा हुए हैं, आपका बचपन कैसे गुजरा, कितनी मेहनत की आपने? जब मैं छोटा सा था, आई थिंक आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्कूल से आया करता था, तो मेरे वाले साहब उस्ताद बशीर अहमद ख़ान साहब, वो मुझे कहते थे कि वो कवाली करते थे और मुझे कहते थे कि ये चीज़ याद करो, ये मैं छोटा सा था बिल्कुल, उस वक्त मुझे तबले का शौक़ था। अच्छा। मैं तबला बजाना चाहता था, मेरे वाले साहब कहने लगे यार तबला छोड़ दो, तबला नहीं तुमने बजाना, तो मैं रोने लग गया, मैंने कहा मैंने इतना रियाज़ किया है और कर भी रहा हूँ बचपन से ही, तो आप मुझे हुक्म दें कि मैं तबला, कहते नहीं नहीं तबला पाछू काम है, उसको बोलते हैं पीछे पीछे बजाने वाला काम। अच्छा। तो आप गाएं,
तो फिर मैंने गाना शुरू किया। तो कितना फोकस्ड होके गायकी को वक्त दिया, कंपोजिशन को, तबले को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इनको कितना वक्त दिया? इनफैक्टली मेरे 1992 से मैंने म्यूजिक का बकायदा आगाज किया। वैसे अच्छा। बचपन से ही करता आ रहा था लेकिन इन फील्ड। हाँ। तो मैंने शुरू किया 1992 से, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता रियाज करता था। फिर 1998 में मेरे वाले साहब इस दुनिया से चले गए, तो फिर मैंने यानी क्लासिकल का इस इल्म सीख रहा था, लेकिन फिर मैंने शुरू कर दिया, कवाली शुरू कर दी। मेरी वालदा का हुक्म हुआ कि भाई देखो तुम सोलो गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, लेकिन तुम्हारे वालिद की सीट खाली हो गई है। अच्छा। तो तुम कवाली करो। फिर मैंने ज़ोया तकरीबन कोई 1998 से लेके 2004 तक मैंने कवाली शुरू की बाकायदा, यानी मैं उसको कहते हैं लीडर या डेरेदार भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो मैंने डेरेदारी की। फिर 2004 में क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे जो उस्ताद हैं वो मेरे अंकल हैं, उस्ताद मुबारक अली खान, तो वो कहने लगे कि भाई देखो तुमने तो क्लासिकल शुरू किया था, अब तुम कवाली करने लगे हो, क्योंकि ये एक अलग जॉनर्स है कवाली और क्लासिकल, ये बहुत मुख्तलिफ जॉनर्स हैं, जिस तरह ज़मीन और आसमान एक अलग अलग जोन में है। तो फिर मुझे वो एक अंदर से तड़प उठ गई, मैंने कहा यार मेरे उस्ताद ने मुझे, क्योंकि मैंने उस्ताद को भी मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के बाद उस्ताद का भी उतना ही दर्जा है, बिल्कुल उनका भी उतना ही लेवल है, उतनी रिस्पेक्ट है। तो वो दिल में मेरे बात लगी, बस मेरी ज़िंदगी में ज़ोया ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बहुत कम सोता हूँ, पता नहीं क्यों, कोई ना कोई सोच चल रही होती है, कोई ना कोई अंदर तड़प चल रही होती है, ये काम करना है, वो रह गया, वो कंपोजिशन इस तरह नहीं बनी, वो लिरिक्स इस तरह करने हैं, ये मतलब ये अगर मैंने कोई ट्रैक बनाया तो उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि यार अभी उसमें वो चीज़ रह गई है, ये करनी है, सुबह जाके ये ऐड करूँगा, ये मेरी आदत बन गई। तो वो एक तड़प बन गई थी मेरे अंदर कि यार मेरे उस्ताद ने मुझे ये क्यों बोला, मेरे उस्ताद मुबारक अली खान साहब ने, कि यार तुमने क्लासिकल का रियाज शुरू किया और क्लासिकल करते करते अब कवाली करने लगे हो, बिकॉज ऑफ माई फादर वॉज डाइड। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मतलब चोरी क्लासिकल का रियाज शुरू कर दिया। अब क्लासिकल और कवाली बहुत डिफरेंट जोन्स हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मिकाल हसन बैंड ज्वाइन कर लिया। फिर उसमें आपको पता ही है एक संपूर्ण एल्बम मेरी आई थी जो कि जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसकी स्पेशलिटी ये है कि एक मेरा गाना था कभी आमिल सांवल यारवे, वो इंडियन रियलिटी शोज में हर बच्चा गा के उस पर इनाम जीता है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अज आखा वारिस शानू, क्या बात, सज्जन दे हाथ बा, यारे मन बया, बहुत सारे गाने हिट हुए। फिर उसके बाद 2004 के एंड में एक मेरा गाना आया था लंदन से ऋषि रिच, उसका नाम एल्बम का था सिंपली रिच, उसमें मैंने उस्ताद मुस्तफ़ा फतेह अली खां का सॉन्ग को कवर किया था थोड़ा एडिशन डाल के, तो वो गाना बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत पसंद किया, नहीं तेरे जा हो दिस्ता। तो इस तरह करते करते अल्लाह ने मेरा यहाँ तक तो काफ़ी नाम बना दिया था, काफ़ी दुनिया में मुझे लोग जानने लग गए थे। तो फिर उसके बाद 2007 में मेरा कोक स्टूडियो आया जिसमें अजय लत्था नहीं हो और फिर एक जेबर दो गाने जेन जेब एंड हनिया के साथ थे, तो उसमें था एक रोना छोड़ दिया और दूसरा था चल दिए, ये भी लोगों ने बहुत ही पसंद किए। अच्छा, जावेद बख्त के साथ साथ कवाली जवाल का शिकार है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? हाँ, एक सिचुएशन तो है, जिस तरह कोरोना वायरस और चीज़ें मैशियत और मुल्कों के बुरे हालात हैं, लेकिन कवाली का फ्यूचर बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ एक तो बुज़ुर्गों की वो चीज़ें हैं जो उन्होंने शायरी में अल्लाह ताला से जुड़ी हुई हैं और अल्लाह ताला के फरमानों को लेके उन्होंने शायरी की है, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह जी का शेर है, चल बुल्लिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। इसी तरह और भी शाह हुसैन जी का कलाम है, मतलब मैं समझता हूँ हक बाबू सुल्तान, बाबा फरीद, गुलाम फरीद और बाबा बुल्ले शाह और जितने भी सारे लोग हैं, इनकी शायरी में इतनी वो पावरफुल है, वो ये कवाली हमेशा इन रहेगी और हिट रहेगी इंशाल्लाह।
जावेद, आपकी नज़र में एक गायक की और एक कव्वाल की, इन दोनों की बुनियाद क्या मुख्तलिफ होती है? यस, आपने सही बोला, क्योंकि कव्वाल की जो बुनियाद है, कव्वाली की बुनियाद है, ये शायरी, कॉल, कॉल का मतलब ये होता है जिस तरह हज़रत अमीर खुसरो या जो सूफ़ी लोग अपने कलाम में अपने अल्लाह की बात करते हैं और उसको बोलते हैं हम कॉल, तो कॉल की जमा ही कव्वाल है। तो कव्वाली की जो बुनियाद है वो सूफ़ी शायरी, और उसका स्पेसिफिकली ये होता है कि आपने दरबारों पे जाना है और उसी तरह के कलाम गाने हैं जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल, हॉली और बड़े इस तरह की वो चीज़ इन्वायरमेंट है। और क्लासिकल का ये है, उसमें आपने राग गाना है, ताल गाना है, मतलब उसमें जो पंडितों की बनाई हुई स्थाइयाँ हैं आपने वो गानी है, इसलिए इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अच्छा जावेद, सुनने में आता है कि अच्छी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए, उसमें सुर और लय पैदा करने के लिए खुराक का भी ध्यान रखना चाहिए, और जो सिंगर्स होते हैं वो बड़ा सोच समझ के खाते हैं कि ये खाना खाना है और ये खाना नहीं खाना, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे साथ भी है ऐसा, लेकिन ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। जोया, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत क्लियर होती हैं और बड़ी ही सोजो गुदाज वाली होती है, तो उन आवाज़ों के लिए ये है कि वो कुछ भी खा लें, मतलब वो आइसक्रीम खा सकते हैं, वो बोतल पी सकते हैं, यानी ठंडी बोतल, ठंडा पानी से अवॉइड करना चाहिए, चावल जो स्पेशली होते हैं उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती तौर पे उनको अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, तो मैं समझता हूँ फिर उन आवाज़ों के लिए परहेज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुरताल पैदा करने के लिए बाय नेचर ही आपको सुरताल में पैदा किया जाता है, सुरताल अच्छा। में आप यानी पैदा होने के बाद सुरताल में नहीं आ सकते, अच्छा। वो आपके अंदर ही सुर है, अंदर ही लय है। हाँ, लेकिन आप उसको मेहनत करके, थोड़ी जिद्दत करके, थोड़ा जुनून से मेहनत करके आप उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान की और इंडिया की मौसीकी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, कहाँ बेहतरी आई, कहाँ जवाल आया? म्यूज़िक तो एक जैसा ही होता है, उसमें लैंग्वेजेस का भी फ़र्क होता है, इस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो म्यूज़िक की, मतलब एक कह लें कि स्टाइल है या जो भी है, तो वो तो एक ही है, जो मतलब सारे गामा पाधा निसा सानी दफा मागर ऐसा, जो पूरी दुनिया में सेम है, जिस तरह के मुख्तलिफ उसके स्टाइल्स हैं लेकिन सुर वही है, सुर सेम ही है पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्टों को थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो हमसाया मुल्क से गा के आता है या वहाँ से जो नाम बना लेता है वो पाकिस्तान में उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। दैट्स वाई जिस तरह जब से इंडिया का बंद हुआ है तो पाकिस्तान के आर्टिस्टों को नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान में भी बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, और हम इसी मिट्टी से ही बने हैं और यही मिट्टी हमारी पहचान है, और इस मिट्टी का ही सुर है जो हम पूरी दुनिया में जाके उसको फैलाते हैं और गाते हैं। तो थोड़ा फ़र्क तो आया है, क्योंकि एक मार्केट बड़ी है और वो मार्केट से जो भी आर्टिस्ट निकलता है, एग्जाम्पल आप देख लें कितने हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ गाया, स्पेशली मैंने गाया, वो मेरा आज गाना बच्चे सीख रहे हैं, उसको पढ़ा रही हैं यूनिवर्सिटी, आज इबादत और अंग्रेज़, पूरी दुनिया में वो गाना सिखाया जा रहा है और पूरी दुनिया से लोग मुझे टैग करते हैं रोज़ गा गा करके, तो ये फ़र्क तो आया है। आपने इतने सारे इतने बेहतरीन गाने गाए हैं, कॉम्पोजिशंस दी हैं, आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना कौन सा? कोक स्टूडियो की बात कर रही हैं या कोक स्टूडियो की बात? अच्छा, कोक स्टूडियो तो आपको पता है हमारा मेरा फेवरेट्स इसलिए है प्लेटफॉर्म के ये इस मतलब प्रोजेक्ट ने हमारी पूरी दुनिया में शनाख्त बना दी है, ऑल ओवर पाकिस्तानी लोगों की, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, पाकिस्तानी कंपोज़रों की, पाकिस्तानी म्यूजिशंस की, और स्पेशली पाकिस्तान की। हाँ इंडीड, तो मैं अभी आपको एक मेरा गाना, वैसे तो अपना गाया हुआ आपको पता है गाने सारे पसंद, सभी पसंद होते हैं ये बात तो है, लेकिन स्पेसिफिकली जो मुझे मैंने गाया था अम्बा तली हुमैरा चन्ना जी के साथ,
वो दुनिया ने बड़ा सहराया और उसको लोग सीख रहे हैं अभी तक, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। अम्बा तले डोला रख देने हर वक्त। जब ये तो बहुत खूबसूरत था, बहुत पसंद आया, आपकी पसंद थी। आपके तो सारे गाने ही सबको पसंद है। थैंक यू। एक और हो जाए जो मेरी पसंद का है। वो कौन सा है? याद सुना दीजिए। अच्छा, कोक स्टूडियो का याद गाना। जरूर। इस गाने की डिटेल्स ये है जोया कि ये गाना एक बहुत तड़प है अपने महबूब को मिलने की, सच्चे महबूब को, क्योंकि जो इश्क है वो अल्लाह रसूल से ही हो सकता है। तो उस इश्क से मतलब ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। लाजवाब, बेहतरीन, कमाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जावेद, आपके वालिद साहब की कोई बहुत अच्छी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो कवाली, अच्छी तो यकीनन उनकी तमाम कवालियाँ होंगी, उनके तमाम कलाम होंगे, उनकी कॉम्पोजिशन होंगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में रह गई हो और आज भी आपको याद आए? वैसे तो उनकी इतनी सारी चीज़ें थी कि उनको मैं कैसे याद रख सकता हूँ। वो महान और वैसे भी मेरे उस्ताद और मेरी दुनिया थी वो। तो उनकी वो एक चीज़ बहुत कंटिन्यूटी गाते थे वो महफिलों में ना, हज़रत अमीर खुसरो जी का कलाम था, नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, वो बहुत उन लोग उनसे सुनते थे। वो फिर मुझे भी याद मतलब रह गया है और मुझे अभी तक याद है वो पूरा कलाम। तो उसमें एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। जावेद, आपके कैसे दोस्त हैं, आप इन्हें कब से जानते हैं और कैसी दोस्ती है आप दोनों की? बड़ी जो है वो हमारी प्यारी दोस्ती है जावेद बशीर भाई से। और असल में हमारा और इनका जो ताल्लुक है ना, वो है निस्बत। वो निस्बत जो है वो आपको पता है, तमाम जितने भी दुनिया में लोग हैं, मुसलमान हैं, उनकी निस्बत जो है वो आपको पता है वो काबतुल्लाह है। तो हमारा असल में जो ताल्लुक है वो काबतुल्लाह से है। मैं असल में जो है वो आपको पता है कि काबतुल्लाह के जिनके पास चाबी है, मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और तर्जमान हूँ। और इसी जो है, बाकी तो जो है इनके ये दूसरी हमदे पढ़ना, दूसरे तीसरे जो भी ये प्रोजेक्ट करते हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनका जो हमारा जो तल्लक है ना, एक वो रूहानी तल्लक है, वो काबतुल्लाह से जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। क्या बात है रिताश, आप जावेद साहब की सारी मसरूफियात को, इनकी कमिटमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि जावेद साहब जो हैं वो जैसा कि सबको पता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, और इनकी जो है वो दुनिया भर में लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, और वो कि हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि इनसे बात करें, इनसे म्यूज़िक सीखें और इनसे वो गुर लें, इनसे वो चीज़ें उनको पता लगें कि जिससे इनकी आवाज़ में एक ख़ास जो है वो जादू है, और वो जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इनका स्केड्यूल ओवरसीज़ के हवाले से काफ़ी बिजी रहता है। मैं हर वक्त 24 घंटे में लोगों से बात कर रहा होता हूँ, कभी USA में, कभी ऑब्वियसली हर जगह पे सुबह के जो टाइमिंग और दिन के और रात के मुख्तलिफ होते हैं। तो मेरा जो है वो इसमें इन चीज़ों में जो काफ़ी टाइम नहीं, ये टेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक तो मुझे फ़ख्र भी है कि मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के लेजेंड हैं और एक देखो बहुत अच्छे और बहुत माया नाज आर्टिस्ट हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती भी है और मेरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अल्लाह का शुक्र है। और मैं जब से इनके साथ हूँ मुझे बहुत जो है वो प्यार करते हैं, मुझे जो है भाइयों की तरह, और बड़ा हमारा एक फैमिली का एक पूरा सिस्टम है। वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, माशाल्लाह, गुड। जावेद, आपका अपना एक अंदाज है, अपना एक स्टाइल है, आपकी अपनी एक पहचान है। आपके बच्चों की गायकी जब सुनते हैं, जब इनका अंदाज देखते हैं, तो लगता है कि ये हूबहू आप ही की कॉपी है, बिल्कुल आप ही की एक छवि है जो आसपास आपके बैठी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि आपके बच्चे जो हैं कुछ मुख्तलिफ कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल आने वाले वक्त में लोग ऐसा कहें कि ये अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए, या इनमें इनके वालिद साहब की झलक जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है? ये बहुत मतलब मैं समझता हूँ बड़ा हट के सवाल है। मैं समझता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो अपने आप अपने माँ बाप की वजह से ही बनाते हैं। अगर वही आइडेंटिटी आप फॉलो करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई अलग आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत है। तो आई प्राउड ऑफ देम। तो इन बच्चों पे अल्लाह की रहमत इतनी है कि ये जो हमारी लेगेसी है हमारे ख़ानदान की, मेरे बाप की, मेरे नाना की, मेरे
ताया आशिक अली खान साहब की और मेरे उस्ताद मुबारक अली खान की, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। आई कैन बिलीव कि आप कह रही हैं कि आपकी आइडेंटिटी, मेरी भी आइडेंटिटी उनकी वजह से है, तो इनकी आइडेंटिटी जो भी है वो भी उनकी वजह से होगी, लेकिन मेरा ख्याल नहीं हमें आइडेंटिटी चेंज करने की कोई ज़रूरत है। तो मैं सुनाता हूँ आपको, एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसका एक गाना सुना देता हूँ, ये तीनों का आ रहा है। जरूर। हाँ जी, ये जुनैद ले। आप गाने की प्रैक्टिस कितनी करते हैं दिन में? बहुत ज्यादा करता हूँ अपने घर में वाजी के साथ। अच्छा, रोज कुछ। आपस में भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो गा के लड़ाई करते हैं? कैसे लड़ाई करते हैं? कैसे? सुर में लड़ाई होती है? कैसे होती है? सुन में लड़ाई है, जन के ये दोनों भाई कहते हैं जन के, हाँ। के उम्र से इन सोनों सही कर रहे हैं और मुझसे कोई गलत हो जाए, हाँ। तो ऐसे अच्छा। मेरे भाई, हाँ। नहीं यार तुमसे नहीं होना, सारी जिंदगी नहीं होना, पर मैं इसलिए से फिर मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा। मेरे भाई ना मुझे कोड याद करवाते हैं लेकिन मुझसे वो कोड नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने उनको याद करके दिखाया। अरे वाह वाह वाह। आप समझते हैं कि आप अपनी जो जनरेशन है और उसके बाद आने वाली जनरेशन को अपनी पहचान, अपने बड़ों की पहचान उसी तरीके से दिखाना और बताना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि मैं भी आने वाले दौर का एक जवेद बशीर बनना चाहता हूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने में, और कोई ना कोई बच्चा कुछ भी सीख लेता है, किसी को कोई गेम्स में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी कुछ, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टी होती है, कोई ड्राइंग में हो जाता है, कोई विट में हो जाता है। माशाल्लाह आपके पास तो इतना बड़ा फ़न है, गायकी का फ़न हर किसी के पास नहीं है, तो आप लोग भी इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा, आप ऐसी सिटिंग्स लेते हैं या क्लासेस ले रहे हैं? जी, जब हम बचपन में थे, क्योंकि जाहिर सी बात जो चीज़ आपके ब्लड में शामिल होती है ना, तो फिर वो घर में सुनना बार, हाँ। बार बड़े जो रियाज करते हैं, हाँ। तो फिर वो आपके कान में, वो आप उसको मकनातीस की तरह वो उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खून में एक चीज़ शामिल है ना, तो फिर बाबा को ऐसे सुनता हूँ, उसे करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनके जैसा हो तो नहीं सकता मैं, मगर थोड़ी सी उनकी झलक एक नजर आ जाए उस काम में। हाँ जी, बस मैं इतना ये चाहता हूँ कि मैं इस काम को आगे लेके जाऊँ, बड़े लेवल पे लेके जाऊँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जुनैद बशीर ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेरी नाइस, जरूर करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह। पिया अनप्लग्ड, बहुत ही खूबसूरत धुन, बहुत ही अच्छा सा रीमिक्स है, मिक्स है, आपने अपने वाले साहब के साथ गाया है, तो क्यों ना वो हो जाए और हमारी ऑडियंस भी सुने। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि दिन में कोई ना कोई हसरत रह जाती है, कोई काम, कोई बात ऐसी कि दिल में रह जाए, किसी को कहना चाहें हम कह ना पाए, ऐसी कोई हसरत है दिल में? एक थी दिल में हसरत आज से कुछ 10 साल पहले, मेरी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा दुआएं ली, तो मैं समझता हूँ अब अल्लाह ने बच्चे दे दिया है, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, और इज़्ज़त सबसे बड़ी जो बात है मैं समझता हूँ, इज़्ज़त बेपनाह अल्लाह ने दे दी, तो आई एम सो ग्लैड राइट नाउ। शादियाँ कितनी की हैं? शादियाँ तो वैसे अल्लाह का करम है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 शादियाँ हैं, लेकिन अगर मैं शरीफ ना होता तो काफ़ी शादियाँ हो जानी थी, लेकिन इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं, लेकिन मैंने फिर भी 2 की हैं। मौसम कैसे पसंद हैं? ज़्यादा सर्दी पसंद है या ज़्यादा गर्मी पसंद है? कौन से इलाके पसंद हैं? कौन सा मुल्क पसंद है? मुझे ज़्यादा सर्दी भी पसंद नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, मैं थोड़ा बैलेंस मौसम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है कि पाकिस्तान में वो जो ह्यूमिडिटी है, तो उससे फिर मैं चला जाता हूँ, इंग्लैंड चला जाता हूँ, वहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, और अमेरिका चला जाता हूँ, फिर वहाँ गर्मियों को काम भी होता है इस तरह रिकॉर्डिंग को शोज़, तो मैं मुझे बाहर रहना फिर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक वहाँ गर्मी कम होती है, थोड़ी बैलेंस होती है, और ऊपर से मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ऊपर से एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के दौर का म्यूज़िक, इतने सारे जॉनर्स, इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इतना कुछ आ रहा है, इतने सारे कॉम्पिटिशन में क्लासिकल मौसीकी को ज़िंदा रखना कैसा चैलेंज है आपके लिए?
ये तो जोया आपने बहुत ही अजीब सवाल कर दिया है। जाहिर है एक बंदे के अंदर जो नेचर होता है उसको यू कांट चेंज, लेकिन ये वाकई सही है क्योंकि जो सिंपल गाना है या जो आजकल डांस सॉन्ग आते हैं उससे क्या होता है कि आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि हमारी ये रोज़ी रोटी है। तो क्लासिकल म्यूज़िक को चलाना और क्लासिकल म्यूज़िक को लेके आगे आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ मेरे पीछे कोई दुआ है, क्योंकि मैं वैसे तो कव्वाली भी करता हूँ, वो भी बहुत सीरियस म्यूज़िक है और क्लासिकल उससे भी ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये सब अल्लाह की नज़र है, अगर अल्लाह की नज़र हो जाए तो फिर सारा सब कुछ चलता है। आप उन बच्चों को, उन नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो क्लासिकल सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहिए लोगों को और पेशेंस से, क्योंकि ये अमूमन तौर पे लोग आउट ऑफ पेशेंस यानी घबरा जाते हैं, क्योंकि मुश्किल बहुत है। आप मिकाल हसन बैंड से अलग क्यों हुए? मेरी मिकाल हसन बैंड के साथ 3 एल्बम्स हैं जो कि 2 रिलीज हुई हैं, पहली थी संपूर्ण और दूसरी थी सब तक। तो तीसरी एल्बम थी अपना आंदोलन, लेकिन वो किसी वजह से मैं बिजी था बहुत ज़्यादा, तो वो मिकाल ने फिर किसी लड़की से करवा ली, शर्मिष्ठा है इंडिया की, मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो अच्छा गाती है, वो उससे करवा ली थी। बट ये है कि छोड़ने का रीज़न कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यही है जहाँ प्यार मोहब्बत हो वहाँ सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, तो जहाँ प्यार मोहब्बत ना हो फिर वो वहाँ मुश्किल होती है। मुश्किल हो जाती। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में जिए, जाके काम किया, अपना फ़न, अपनी ज़िंदगी, ये इंडिया से कॉन्टैक्ट किसने किया, कब किया? ये आई थिंक आपको पता ही है, जब पाकिस्तान से भी कोई चीज़ हिट हो जाती है तो दुनिया में उसको सारा आ जाता है। स्पेशलिटी है ये कि पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिकग्नाइजेशन मिली, जिस तरह मेरा पहला एल्बम मिकाल के साथ आया, उससे पहले भी लंदन से नहीं तेरे जा होर दिसदा, दीवाने नच दे, घर आ जा नहीं हो दिल लगदा, सुपरहिट थे, तो वो इंडिया में भी रिलीज़ हुए, इंडिया के लोगों ने बहुत पसंद किए। तो जो पहला मुझे ब्रेक थ्रू मिला था वो विशाल शेखर की फिल्म थी, क्योंकि विशाल शेखर भी मेरे बहुत फ़ैन है, क्योंकि वो मेरे जॉनर को, मेरे गाने को बहुत ज़्यादा दोनों पसंद करते हैं। तो मैं कई दफ़ा उन्होंने मुझे स्टूडियो भी बुलाया और मेरी बड़ी इज्जत की, बहुत अच्छे, दे आर नाइस। तो फिर पहली उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया था कहानी मूवी में, पिया तू काहिर उठा रे, वो उस जॉनर का सुपरहिट गाना है आज भी, जिसको लोग सीखते हैं और उसको गाते हैं और उसको फिर कवर करते हैं और रिलीज़ करते हैं। आमिर अज़हर पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे एशिया के बहुत टैलेंटेड और बहुत एक्सपर्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, अकॉर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे देते हैं और स्पेशली कंपोजिशन बहुत अच्छी करते हैं और ट्रैक बहुत अच्छा बनाते हैं और इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है। और आज हम स्टूडियो में इसलिए आए हैं कि एक हमारा नया प्रोजेक्ट है जो कि हम रिसेंटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके ये आज कॉर्ड्स पे काम कर रहे हैं। तो आमिर मियां प्लीज़ आप करें रिकॉर्ड। हाँ, आपने सर जब कल जो वो एक शेर आपने रेफरेंस के तौर पे गया था उसके आप नीचे अरेंजमेंट उसकी टोन सिलेक्शंस के लिहाज से कर लेते हैं, अभी हम पैड्स से लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। दोस्तों, इट वॉज एन अमेजिंग डे विद एन अमेजिंग पर्सन। जावेद को हमने उनके स्टूडियो में छोड़ दिया है, इस वक्त वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और यहाँ पे रिहर्सल भी कर रहे हैं अपनी नई कॉम्पोजिशंस की, जिस पर उन्होंने काम करना है और मीटिंग्स भी करनी है। बहुत ही अच्छा लगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा शो देखते रहिएगा और आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।